टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑन डिबेंचर, और डिबेंचर में हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नॉर्मली क्या होता है, मनी रेज करते हैं और हमारे पास पैसा आता है, और पैसा आता है उसके हिसाब से हम डिबेंचर्स की जगह एड्रेस करते हैं। लेकिन ये जो केसेस में आपके पास मनी नहीं आ रहा है, यू आर बाइंग सर्टेन एसेट्स, और वो जो वेंडर है जिससे आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसको आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट शेयर्स में भी आया है, बिल्कुल वही है, सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ये जो आपका डिबेंचर चैप्टर है, बोर्ड की जो इस बार आपके सामने जो सैंपल पेपर आया है उसमें वेटेज क्या है, एक आपका 6 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से सेट होगा, एक आपका 3 मार्क का सेट होगा और एक 1 मार्क का सेट होगा। अगर हम देखें कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है आईटीएम से, और इस छोटे से चैप्टर में से 10 नंबर का पेपर सेट हो रहा है। जो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका, इसमें हाँ आपके पास एक ऑप्शन चॉइस जरूर होगी, हो सकता है टोटल पेपर 10 मार्क्स का है या 7 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो अगर 10 नंबर का भी पेपर इतने छोटे चैप्टर में से आ रहा है तो इसको तो बिल्कुल ऐसे कर लो, परफेक्ट गलत तो होने चाहिए, 10 नंबर पक्के हैं ये 36-37 क्वेश्चंस करके। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए जी, अब हमारा जो केस है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मैं एक न्यूमेरिकल भी इसके साथ आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। उस न्यूमेरिकल में जो हमारे पास डेटा है उसमें क्या कह रहे हैं कि हमने 9,90,000 की एसेट बाय किए हैं फ्रॉम अनदर कंपनी। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी आपने 9,90,000 रुपीज की एसेट्स बाय की, फर्स्ट एंट्री आपने करनी है ये। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन के अंदर वेंडर यानी सेलर का आपको नेम गिवन है तो आप उसका नेम मेंशन करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो वेंडर का अकाउंट आएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसीडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपीज वाले डिबेंचर्स हैं, अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो मैंने यहां तीन एंट्री बनाई है, एट पार के केस में ये एंट्री होगी, एट प्रीमियम के केस में ये एंट्री होगी, और एट डिस्काउंट के केस पे ये एंट्री होगी। मेरा एक्चुअली फॉर्मेट में मत जाइएगा, मुझे सारा एक ही बोर्ड में क्लियर करना था तो मैंने इस तरीके से बना दी, आप प्रॉपर फॉर्मेट से ही एंट्री करेंगे। एट पार में एंट्री ये है, प्रीमियम में है, ये डिस्काउंट में। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है, अमाउंट गलत हो जाती है बच्चों से, तो उसी पर वर्क करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी आपका ऐसा कोई केस आए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट। ठीक है, हमेशा आपको ये एंट्री पास करते हुए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। 9,90,000 की एसेट आई है और उसके हमने डिबेंचर्स दे दिए। ठीक है, जो हमारा केस 1 है उसमें हमारा परचेज कंसिडरेशन पीसी यानी 9,90,000 है, और उस टाइम पे मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है क्योंकि एट पार पे इशू कर रहे हो, तो आप 9,900 डिबेंचर्स पार्टी को इशू करने वाले हैं। जो आपका सेकेंड केस है उसमें आपका प्रीमियम है 10%। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, आपका डिबेंचर 100 रुपीज का है, 10 रुपए उसके ऊपर प्रीमियम है क्योंकि 10% है, तो आपकी मार्केट वैल्यू बन गई 110 रुपए। अब 110 रुपीज अगर आपकी मार्केट वैल्यू बन गई डिवाइडेड बाय 110, तो आप सिर्फ आपका हुआ 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, तो 9,000 डिबेंचर्स आपके इशू। केस थर्ड, केस थर्ड में आपको डिस्काउंट पे है तो अब आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, 10% अगर डिस्काउंट है, 100% उस 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, तो 100 रुपीज का 10% निकालते हैं तो हमारा क्या आता है 10 रुपीज, तो यानी आपने जो डिबेंचर इशू किया 100-10 90 रुपीज, तो आपकी मार्केट वैल्यू बन गई 90,000 रुपीज। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90, तो इस केस में आपके डिबेंचर्स हुए 11,000। अगर आप देखें तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों ही केस में हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स चेंज हो गए क्योंकि वैल्यू सेम थी, वैल्यू एक ही थी, हमें सिर्फ 9,90,000 रुपए में ट्रांजेक्शन करनी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 9,900 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशूड। ठीक है जी, पार के केस में तो सेम अमाउंट आ जाएगी क्योंकि 9,90,000 है, और 9,90,000 हम कह सकते हैं हमारे 9,900 इंटू 100 क्योंकि 100 रुपीज हमारी फेस वैल्यू थी। ठीक है, जो आपका प्रीमियम केस है, प्रीमियम केस में क्या हुआ, आप 9,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो
यहाँ पर मैं अमाउंट भी लिख के दिखा रही हूँ, 9000 × 110 यहाँ आएगा, यहाँ बल्कि इसकी नीचे कर देती हूँ। इन केस ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमेशा वैल्यू जाती है 9000 × 100, और इन केस ऑफ प्रीमियम 9000 × 10, तो आपके यहाँ पर 9,90,000 तो आपके वेंडर अकाउंट में गए, डिबेंचर अकाउंट में आपके गए 9 लाख और आपकी 90,000 रुपीज का आपका हुआ प्रीमियम। ये बनी आपके एंट्री प्रीमियम के केस। ठीक है जी, अब मैं ये जरा रब कर रही हूँ, तो ये मैंने वैल्यूज लिखी, आप नोट कर लीजिएगा, साथ साथ कीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप साथ साथ करते हुए चलेंगे। अब आपका आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट के केस में हमारे डिबेंचर्स बन गया है 11,000 × 90, क्योंकि आपको डिबेंचर 90 का जा रहा है। ठीक है जी, हमें डिस्काउंट जो होता है हमारे लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे रिजर्व है, वो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट हमारी लॉस है, लॉस हमारा डेबिट होगा। हमारे 11,000 डिबेंचर्स थे, उस पे 10 रुपए का हमारा डिस्काउंट हो गया, 11,000 डिबेंचर्स थे, इसकी फेस वैल्यू हमेशा 100 रहेगी, हमेशा क्या 10, 100 जो भी होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 11,000 × 10 110,000 रुपए यहाँ हो गए आपके, और यहाँ पर आपके 11,00,000 हो गए। ये आपने करना है, सिर्फ इतना ही काम है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की चीज है कि एट बार पे क्या करना है, एट प्रीमियम पे क्या करना है, एट डिस्काउंट पे क्या करना है। मेन चीज ये है जो ये मैंने वर्किंग आपको बताई है, ये वर्किंग पे अगर आप वर्क करोगे, सबसे पहला काम आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो, आपकी कभी गलती होगी। सेम कॉन्सेप्ट है शेयर्स के केस में, वहां डिबेंचर की जगह बस इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, दैट्स इट। बट हाँ, शेयर्स में ये चीज ध्यान रखनी है कि शेयर्स कांट बी इंक्लूडेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वाला पॉइंट वहां नहीं आता है, वहां सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम है, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, पहले होते थे बट अब नहीं होते एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये बायो में भी आपसे पूछा जा सकता है, मे बी दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक का बटन तो ठोक ही दीजिएगा। थैंक यू।